वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑटो शो बाय द कार मॉल। और आज लेके आए हम आपके लिए इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, द कॉम्पैक्ट सेडान फ्रॉम द टाटा स्टेबल, द टाटा टिगोर ईवी। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल बहुत ट्रेंड में है और ये मोस्ट अफोर्डेबल ईवी है, द कॉम्पैक्ट सेडान फ्रॉम द टाटा स्टेबल, सिर्फ 12.49 लाख्स माई डियर फ्रेंड्स। तो 12.5 लाख रुपए से इसका प्राइस स्टार्ट हो जाता है एंड इट गोज़ अप टिल 13.69 लाख्स। इसमें चार वेरियंट्स आपको मिलते हैं, XC, XM, XZ प्लस और XZ प्लस ड्यूल टोन। यहाँ पे आप फ्रंट से हम बात करते हैं कार की, आप सामने से लुक देख सकते हो, काफ़ी अच्छा और डिसेंट लुकिंग कार है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की यहाँ पे स्ट्रिप मिलती है विच सिग्निफाइज दैट इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। यहाँ पे टाटा का लोगो है, यहाँ ईवी लिख के आता है एंड यहाँ नीचे अगेन बहुत अच्छी मैश ग्रिल है विद दिस डिज़ाइनिंग विच अगेन सिग्निफाइज दैट इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। यहाँ हेडलैम्प्स की हम बात करते हैं, सो प्रोजेक्टर सेटिंग में आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं विद LED DRLs हेयर एट द बॉटम जस्ट राइट बिसाइड्स द फॉग लैम्प। फॉग लैम्प के आसपास भी आपको ये इलेक्ट्रिक ब्लू कलर की सेटिंग्स मिल जाती हैं। इधर हम बात करते हैं कार के व्हील्स के बारे में, यहाँ पे आपको 14 इंच का स्टील व्हील मिलता है। इट्स नॉट अ एलॉय व्हील, दिस इज अ व्हील कवर विच इज इंस्टॉल्ड ऑन दिस व्हील। यहाँ जो आपको टायर साइज मिलता है वो है 175/65R14। तो हम फटाफट से आपको कार का इंजन बे भी दिखाते हैं। इट्स नॉट अ इंजन बे, इट्स इलेक्ट्रिक मोटर बे। तो इसको मैं खोलता हूँ यहाँ से अंदर एंड वी हैव ओपन द हुड फॉर यू। सो दैट्स द इलेक्ट्रिक मोटर, इट सेज उसका कवर है ईवी जिप्ट्रॉन और ये बैटरी है, बट द मेन बैटरी इज अंडरनीथ, वो भी अभी आपको दिखाएंगे। सो यहाँ पे नॉइज इंसुलेशन के लिए कवर दिया हुआ है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल है सो उसकी ज़रूरत नहीं भी है तो भी चलेगा। तो दैट्स द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार, आप देख सकते हैं इट्स अ कॉम्पैक्ट सेडान और जो ग्राउंड क्लियरेंस है कार का वो भी काफ़ी अच्छा है। इट्स अ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 172 mm माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको अगेन ईवी की बैजिंग मिलती है विच सिग्निफाइज इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। डुअल टोन में ORVMs मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। देर आर नो 360 degree कैमराज, दिस इज अ टॉप वेरियंट, इट कम्स विद अ रिवर्स कैमरा विद पार्किंग गाइडेंस। और यहाँ पे आपको मिलता है टिंच ऑफ क्रोम विद द रिक्वेस्ट सेंसर। इट्स अ ईजी एंट्री एंड एग्जिट ऑन दिस डोर। और यहाँ पे ये काफ़ी सारा क्रोम यूज़ किया हुआ है, दिस सीम्स टू बी आफ्टर थॉट बिकॉज ये थोड़ा सा प्रोट्यूट कर रहा है यहाँ पे बाहर, आप देख सकते हैं। ये पीछे कार का रियर है, रियर में भी दीज आर द टेल लैम्प्स, इट्स नॉट LED। जो ब्रेक लाइट्स हैं वो LED है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, दिस इज अ स्टॉप लैम्प विद अ स्पॉयलर ट्रीटमेंट। यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिलता है, दिस इज अ स्टिकर विच सेज वोकल फॉर लोकल। यहाँ टिगोर की बैजिंग, टाटा की बैजिंग, ये बड़े अच्छे से कैमरा, रिवर्स कैमरा इंटीग्रेट किया हुआ है। दोज आर द रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। और यहाँ पे नीचे आपको एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, देर इज़ वन रिवर्स लाइट, अगेन द इलेक्ट्रिक ब्लू लाइनिंग ट्रीटमेंट। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये बैटरी पैक दिया हुआ है, इट इज़ प्रोट्यूटिंग बीनीथ। और ये काफ़ी सारा बूट स्पेस भी ईट अप कर जाता है, सो लेट्स ओपन द बूट फॉर यू। और ये है कार का बूट और यहाँ पे स्पेयर व्हील रखा हुआ है बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया जो बैटरी है वो काफ़ी सारा स्पेस खा जाती है, सो देयर इज़ नो स्पेस लेफ्ट फॉर द स्पेयर व्हील। अगेन दिस इज नॉट अ एलॉय व्हील बिकॉज सारे स्टील व्हील्स आते हैं। सो दिस ईट्स ऑलमोस्ट 59 liters ऑफ द बूट स्पेस। द बूट स्पेस ऑफ दिस टाटा टिगोर इज अबाउट 316 liters। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक चार्जर दिया हुआ है, इट्स अ प्लग एंड प्ले चार्जर, आप इसको प्लग कर सकते हैं एंड ये आपका पावर सॉकेट में जाएगा and you can charge your vehicle very easily and comfortably. यहाँ पे लिड दिया हुआ है, इसके लिए लीवर है, आप वहाँ अंदर जहाँ से फ्यूल का लीवर आता है नॉर्मली कार्स में नीचे, वहाँ से आप इस लिड को ओपन कर सकते हैं एंड दीज आर फॉर DC एंड AC चार्जर्स। यू कैन चार्ज योर कार एट द ईज ऑफ सिटिंग एट योर कम्फर्ट जोन। सो ये था कार का पूरा एक्सटीरियर एंड इट्स टाइम टू गो फॉर अ ड्राइव एंड टेल यू अबाउट द इंटीरियर्स एंड सिटिंग कम्फर्ट ऑफ द कार। सो स्टे ट्यून ऑन द व्लॉग। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @theautoexpert। और लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो और व्लॉग्स कैसे लगते हैं।
So we are inside this Tata EV Tigor, the most affordable electric vehicle in our country. So that's the key of the car. यहाँ पे आपको मिलता है टाटा का लोगो और इधर मिलते हैं चार बटन्स. दिस इज टू लॉक, दिस इज टू अनलॉक, दिस इज टू ओपन द बूट और ये जो है आपका कार के लैंप्स ऑन करने के लिए होता है. सो इट्स टाइम टू ब्रिंग दिस कार टू लाइफ. यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्ट स्टॉप बटन जो कि हर वेरिएंट में नहीं आता और जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा यहाँ बहुत अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे डिस्प्ले है जो कि लाइट्स चारों तरफ से ऑन हो जाती हैं. लिख के आ जाता है ईवी जिप्ट्रॉन. So it's a very nice display and the instrument cluster has a tinge of electric blue lining running all around it, even on the dashboard, on the AC vents. और इससे बहुत अच्छा जो है स्पोर्टी फील इस कार को मिलता है. सो इट्स टाइम टू टेक यू फॉर अ ड्राइव. और ड्राइव पे जाने से पहले आपको बता दूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है इसमें कोई ट्रांसमिशन नहीं है, देयर इज जस्ट ड्राइव सिलेक्टर. तो यहाँ पे न्यूट्रल, रिवर्स, ड्राइव और स्पोर्ट्स. देयर इज नो पार्किंग मोड, पार्किंग मोड इज मिसिंग. तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है व्हेन यू आर ऑन स्लोप्स. सो इफ द कार इज ऑन न्यूट्रल इट विल मूव इटसेल्फ. तो आपको ये पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक का काफ़ी फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा व्हेन यू आर पार्किंग योर कार. सो इट्स टाइम टू पुट द कार ऑन ड्राइव मोड. और जो हम चला रहे हैं ये है एग्जेड प्लस वेरिएंट. इस कार में आपको चार वेरिएंट्स मिलते हैं. वन इज़ अ XE, द सेकंड वन इज़ अ XM, द थर्ड वन इज़ अ एग्जेड प्लस और इसी के साथ एक आता है एग्जेड प्लस DT. DT मतलब ड्यूल टोन, जिसमें आपकी जो रूफ है वो ड्यूल टोन की हो जाती है. और इसमें आपको काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जैसे स्टार्ट स्टॉप बटन, रिवर्स कैमरा एंड ऑल ऑफ दैट. सो दिस कार इज़ ऑल्सो वेरी सेफ टू ड्राइव. इट कम्स विद लॉट ऑफ सेफ्टी फीचर्स लाइक टू एयरबैग्स, ABS, EBD, ये सारे स्टैंडर्ड फीचर्स हैं. NCAP स्टार रेटिंग भी इस कार की जो है वो 4-star रेटिंग है आउट ऑफ 5, विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल. तो अब चलते हैं कार के ड्राइव पे. फॉर द ड्राइव एक्सपीरियंस लेट्स पुट द कार ऑन अ ड्राइव मोड. Rather, we'll put it on the sports mode and leave the accelerator and the car starts to move. It's very silent like all the electric cars because it's an electric motor, 25 kilowatt of electric motor generating a power of 75 bhp and a torque of 170 newton meters. So, ye jo car hai, kafi smooth hai drive karne mein and jo iska कंफर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है. मैं बैठा हुआ हूँ, जो सीट्स आर वेरी कुशनी एंड वेरी कंफर्टेबल वाइल ड्राइविंग दिस कार. द राइडिंग पोस्चर इज़ वेरी नाइस. इवन द स्टेयरिंग, अगर आप स्टेयरिंग की बात करेंगे, इट्स नॉट अ लेदर रैप्ड स्टेयरिंग बट जो फील है स्टेयरिंग का वो बहुत अच्छा है. इट्स क्वाइट चंकी एंड क्वाइट नाइस टू होल्ड ऑन टू. इट्स अ स्पीड सेंसिटिव स्टेयरिंग. और यहाँ पे जो है हम कार की स्पीड बढ़ा रहे हैं. वी आर ड्राइविंग एट 90. सो लेट्स ट्राई टू चेक द टॉप स्पीड ऑफ द कार नाउ. The acclaimed top speed of this car is 121 kilometers. Can we touch 121? Let's just check it out. And we have crossed 121, we have touched 122. And the ride quality is very nice and very comfortable. And the car is totally in control. Definitely there is some body roll in the car. But the car at this price point at 12.49 lakhs, an electric vehicle, is something very affordable. And for city drives, you can get a range of up to practical range of up to 200 to 250 kilometers depending on your driving styles. There's a regen mode in this car. There's just one regen mode. And jaise aap sports mode mein car ko karte ho normal se, to braking aur bhi kam ho jati hai. So, I wish there would have been more regen modes in this car. So this Tata Tigor comes with a 25 kilowatt of lithium ion battery which generates a power of 75 bhp and a torque of 170 न्यूटन मीटर्स. जो एक्लेम 0 to 100 है इस कार का वो है 14.7 सेकेंड्स और जो 0 to 60 एक्लेम्ड है वो है 5.7 सेकेंड्स. टॉप स्पीड हमने आपको दिखा दी, 122 हमने टच किया कार के साथ एट टॉप स्पीड. और जो कार की रेंज है एक्लेम्ड रेंज ARAI वो है 306 किलोमीटर्स. बट प्रैक्टिकल कंडीशंस में आपको ये कार लगभग 200 से सवा 200 किलोमीटर की रेंज निकाल के देगी डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल. तो दिस कार कम्स विद अ वारंटी ऑफ 3 years और स्टैंडर्ड वारंटी. यू कैन एक्सटेंड इट फॉर अनदर 2 years विच मीन्स 5 years एंड 125,000 किलोमीटर्स की वारंटी आती है इस कार में. और जो बैटरी पैक है उसकी जो वारंटी है वो 8 साल की वारंटी है. इट्स अ 8 ईयर 160,000 किलोमीटर वारंटी. सो यू डोंट नीड टू वरी. सो एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 12.49 lakhs, स्टार्टिंग 12.49 lakhs फॉर द XE variant, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल सेडान
compact sedan EVs which anyone can have. जो आगे का suspension है that is quite smooth and the drive experience is quite nice. जो wheel size है car का वो 14 inches है, उसकी वजह से जो है potholes और humps में आपको उतना inconvenience cause नहीं होता है. The turning radius of this car is very nice. It's just 5.1 meters. और हम करने वाले 0-100 test, जो कि आपका favorite section है vlog का. And let's put the car on sports mode, one foot on the brake and the other one on the accelerator. It's time to go. 3, 2, 1, go. We have crossed 60, 70, 80, 90 and 100. Just about 14 seconds and we have touched again the top speed of the car, which is 121 and 122, we have crossed that. It doesn't go beyond 120. I have pressed the accelerator, the throttle fully. It's not going beyond 122, but the car is totally in control and it's a great ride quality and a great seating comfort while riding and driving this car. It's a great commanding angle. The view is quite nice and at this price point, it is totally worth it. ये है कार का डैशबोर्ड, काफी अच्छा स्पोर्टी डैशबोर्ड है. देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर राइट हेयर, जिसमें ये वापस इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का पूरा बीडिंग दिया हुआ है. लुक्स वेरी स्पोर्टी, पूरा डिजिटल दिया हुआ है. इसके कंट्रोल्स के लिए दो नॉब दिए हुए हैं, यहाँ से आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं. सो दैट्स द टेम्परेचर, कितने डेज सर्विस के बचे हैं, आपका ट्रिप ए ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम टी, ट्रिप ए ट्रिप बी, ओडोमीटर, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं. ये आपका ORVM सेटिंग के लिए दिया हुआ है. इसको आप नीचे पुश करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा. इट्स इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVM. और ये लेफ्ट और राइट एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे नॉब दिया हुआ है. डोर हैंडल हैज लॉट ऑफ क्रोम इन इट. यहाँ पे पियानो ब्लैक का फिनिश दिया हुआ है. जो डोर ट्रिम है वो भी ड्यूअल टोन में है, ब्लैक एंड बेज में. ये पावर विंडो के स्विचेस दिए हुए हैं. देयर इज अ चाइल्ड लॉक. जो स्टेयरिंग है वो काफ़ी अच्छा चंकी स्टेयरिंग दिया हुआ है. इट्स नॉट अ लेदर रैप्ड स्टेयरिंग बट द फिनिश इज क्वाइट नाइस. देयर इज अ टाटा लोगो हेयर इन द सेंटर. दिस आर द हॉर्न्स, क्वाइट नाइस एंड डिसेंट हॉर्न्स. यहाँ पे जो है बटन्स दिए हुए हैं. दिस इज टू आंसर द फोन, कट द फोन. ये आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आप चैनल्स वगैरह यहाँ से सब चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज फॉर द हेडलैम्प्स, दिस इज फॉर द वाइपर्स एंड वॉशर्स. ये आपका स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है. ये पूरा टच स्क्रीन आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी हुई है. ये आपका होम बटन है. यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी मिल जाता है और कनेक्टेड ऐप भी है, जिसमें आप मोर देन 30 फीचर्स इस कार के यूज़ कर सकते हैं. दिस रेडियो, दिस ब्लूटूथ ऑडियो, USB, यू कैन चेंज द सेटिंग्स, ऑडियो सेटअप्स, पार्क असिस्ट, iPod. And this car also comes with demo sounds. It's a Harman sound system with 4 speakers and tweeters. Aur ye kuch inbuilt sounds hain. So, the cavalry, epic travel. So it's a nice sound system with touch screen. It's a 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम. और जो बेस वेरिएंट आता है XC, उसमें आपको 3 inches का मिलता है ये छोटा सा. यहाँ पे ये बूट खोलने के लिए बटन दिया हुआ है, लॉक अनलॉक के लिए दिया हुआ है. ये जब आप चार्ज करें चार्जर को अनलॉक करने के लिए. दिस इज़ फॉर द फॉग लैम्प्स. ये आपके AC के कंट्रोल्स दिए हुए हैं. यहाँ पे AC का जो ब्लोअर की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए दिया हुआ है. दिस इज़ टू कंट्रोल द डायरेक्शंस ऑफ द AC. ये आपका वेंट ओपन एंड क्लोज करने के लिए. फ्रंट एंड रियर डिफॉगर्स. ये USB चार्जिंग पॉइंट. यहाँ पे 12-volt चार्जिंग सॉकेट. यहाँ स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है. ये पार्किंग न्यूट्रल रिवर्स ड्राइव. देर इज़ नो पार्किंग, इट्स अ ड्राइव सिलेक्टर. पार्किंग मोड इज़ मिसिंग, तो आपको हैंड ब्रेक का इस्तेमाल काफ़ी फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा. 2 कप होल्डर्स, सम स्टोरेज स्पेस, 12-volt चार्जिंग पॉइंट एंड सम स्टोरेज स्पेस हेयर एज वेल. द सेंटर आर्मरेस्ट इज मिसिंग, इट्स नॉट देयर. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी AC का डिस्प्ले नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इसके लिए आपको जब आप AC का टेम्परेचर कम या ज़्यादा करते हैं, सो यू हैव टू लुक एट द इन्फोटेनमेंट स्क्रीन. और यहाँ पे आपको सारे AC के कंट्रोल्स की डिटेल्स मिलती है. तो ये आपको ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, उसके लिए ये बटन है, पुश बटन. व्हेन यू पुश इट द ग्लव बॉक्स ओपन. इट्स अ बिग साइज फुल साइज ग्लव बॉक्स विद अ पार्टीशन ट्रे. और यहाँ ऊपर भी आपको काफ़ी सारा स्टोरेज
मिल जाता है. सो डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑल अराउंड एंड अ डिसेंट लुकिंग डैशबोर्ड, वेरी नाइस एट दिस प्राइस पॉइंट. ये आपका माइक दिया हुआ है ब्लूटूथ से बात करने के लिए. यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, देर इज नो लाइट. यहाँ पे भी मिरर दिया हुआ है, देर इज नो लाइट. देर इज नो ग्रैब हैंडल ओवर हेयर, देर इज वन ग्रैब हैंडल हेयर. द लाइट एट द ड्राइवर फ्रंट ड्राइवर कैबिन इज मिसिंग. देर इज अ लाइट एट द सेंटर. एंड जो सिटिंग कम्फर्ट है कार का वो भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिसेंट है. द सीट्स आर क्वाइट कुशनी एंड काफ़ी अच्छे फोम का यूज़ किया हुआ है इसमें. सो इट इज़ क्वाइट नाइस टू सिट एंड वाइल ड्राइविंग. सो ट्राई टू गो एट द बैक सीट, चेक आउट द कम्फर्ट एट द रियर सीट. सो वी आर एट द बैक सीट ऑफ द टाटा टिगोर एंड ट्रस्ट मी, एट दिस price point starting 12.49 lakhs, I would say this is a very good rear seating comfort. It's lots of cushion and very comfortable to sit. यहाँ पे आपको center में एक armrest भी मिलता है और ये भी काफ़ी कुशनी और सॉफ्ट है. आप देख सकते हैं सारी सीट्स, आई कैन जस्ट प्रेस इट विद वन फिंगर. सो इट हैज़ लॉट ऑफ स्पॉन्ज एंड इट्स वेरी कुशनी. यहाँ पे दो कप होल्डर्स दिए हुए हैं. देयर इज़ अ नाइस हेडरेस्ट फॉर द पैसेंजर एज वेल. यहाँ पे एक छोटा सा सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट दिया हुआ है. द थर्ड पैसेंजर यहाँ पे भी एक हेडरेस्ट दिया हुआ है. दीज आर द डोर ट्रिम्स इन डुअल टोन ब्लैक एंड बेज. यहाँ पे क्रोम के डोर हैंडल्स दिए हुए हैं. वन ग्रैब हैंडल इज ओवर हेयर. देयर इज़ नो लाइट ओवर हेयर, नो साइड कर्टेंस, no AC vents, no charging points, but that is okay. It at this price point, it's very comfortable and very nice to sit. मैं अभी सेंटर पैसेंजर की जगह पर बैठा हूँ. यहाँ पर भी काफ़ी सारा कम्फर्ट है, बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा. एक स्लाइट हम्प दिया हुआ है यहाँ सेंटर पर. सो ओवरऑल इट्स अ नाइस पैकेज एज यू कैन सी. सो एट दिस प्राइस पॉइंट आई वुड से इट्स अ वेरी कम्फर्टेबल कार, नॉट जस्ट द फ्रंट सीट्स, द rear seats too. So my highlight for this car is the price point starting at 12.49 lakhs. Though there are a few cons, jo battery pack hai wo पीछे की तरफ प्लेस्ड है. अगर वो सेंटर में होता तो कार का जो वेट रेशियो है फ्रंट एंड रियर का वो बैलेंस करने के लिए बेहतर होता. रीजन मोड्स बेहतर हो सकते थे, उससे जो है कार की बैटरी की जो रेंज है वो थोड़ी ड्राइविंग रेंज बढ़ सकती थी. बट जो ड्राइव एक्सपीरियंस है और जो सिटिंग कंफर्ट है कार का एट दिस प्राइस पॉइंट, जो ड्राइव रेंज आपको प्रैक्टिकली मिलती है 200-225 किलोमीटर की इन द प्रैक्टिकल सिटी ड्राइविंग कंडीशंस, वो आपको इस प्राइस पॉइंट में टोटली वर्थ इट है. फॉर ऑल द सिटी कम्यूटर्स जिनको आउट स्टेशन ट्रैवल जिनका नहीं होता, जिनका शहर में ज़्यादा ड्राइव है, उनके लिए ये कार लेना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है. बिकॉज यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट ऑल्सो एंड यू आर saving on fuel and lot of cost which you incur in ICE cars like petrol and diesel cars. So at this price point, 12.49 lakhs, I give thumbs up to this Tata Tigor. So friends, I hope आपको हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा टाटा टिगोर ईवी का. नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे रखते हैं. और मुझे फॉलो करना मत भूलना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @AutoExpert with an X without a E. So do subscribe to our channel and do like and share this video. फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते अगले संडे इसी नई कार के साथ. So keep watching, keep sharing, keep spreading love. Stay safe, stay healthy, goodbye and God bless and keep watching.